जिंदगी जैसे पहेली जैसे कि कोई सहेली जिंदगी जैसे कहानी थोड़ी नई थोड़ी पुरानी कभी चाबुक कभी चॉकलेट कभी रौनक कभी धक्कम पेल ये भी हो सकता है थी? वो भी हो सकता है बट ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में कुछ भी हो सकता है साल का बच्चा मास्टर किशन फिल्म डायरेक्ट करके गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है अगर 19 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाकर अरबपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है और अगर 21 साल की उम्र में नेल्सन मंडेला क्रांतिकारी बन साउथ अफ्रीका को रंग से आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है जिंदगी के सबसे ठोस कदम आप जिंदगी के सबसे अस्थिर पल में उठाते हैं लेकिन यही कदम आपको अपना सपना पूरा कराते हैं आप देख रहे हैं द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है दोस्तों इस पूरे ब्रह्मांड की अगर बनावट को हम देखें तो हमारा अस्तित्व एक कण के समान है हम अपनी जिंदगी को इतना महत्व देते हैं लेकिन इस विश्व के इतिहास में हम सिर्फ एक कंकड़ जितनी कड़ी हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम इस जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं वो इसलिए क्योंकि एक इंसान में इतनी क्षमता होती है कि वो इस दुनिया का इतिहास रच सके और इसका नक्शा बदल सके अगर आप इतिहास में देखेंगे तो ऐसे अनगिनत लोगों का नाम पाएंगे जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में हमारा आज रचा है फिर चाहे वो एलेक्जेंडर द ग्रेट हो या गौतम बुद्धा ऐसे लोगों के लिए मेरी एक कहावत है कि इफ लाइफ इज ए सर्कल दे लिव इन स्क्वेयर्स दोस्तों आज जो मेरे दोस्त यहाँ आए हैं वो यंग अचीवर्स की नई पहचान है ये प्रतिमा है एक नए जोश कला और हिंदुस्तान की आजाद सोच की इनका आत्मविश्वास इस पीढ़ी के स्वतंत्र रवैये को दर्शाता है मैं स्वागत करता हूँ परिणति चोपड़ा का इतना अच्छा आप इसकी पूरी हकदार हैं परिणीति. थैंक यू सर हमने एक फिल्म किया दावत इश्क जिसमें दो महीने परिणीति मैंने और एक और गेस्ट ने आ, <laughs> तीन दो महीने साथ गुजारे हैं अम्बाला किए हैं आप जी सर और आपका एक सपना है कि अम्बाला को आप वर्ल्ड मैप पर डालना चाहती हैं. जी 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 आई होप इंडियन सा आ गया आई होप वर्ल्ड मैप की पूरी जिंदगी जहाँ पे मैंने बिताई है बहुत कम लोग उस जगह के बारे में जानते हैं यू नो हमेशा उनको बताना पड़ता है कि अम्बाला ना चंडीगढ़ के पास है तो वो कहते हैं अच्छा 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 चंडीगढ़ के पास है यू नो मैं चाहती हूँ कि अब लोग बोले चंडीगढ़ अम्बाला के पास है तो आई जस्ट वॉन्ट पीपल Uh, कि वो लोग कहें कि अच्छा अच्छा परिणीति थी अम्बाला से और हम अम्बाला को जानते हैं you know? यू है तो है, जो लोग होते हैं आपको तो पता ही है, कि हमें एक होता है क्योंकि हमें वहां से निकलना है हमें कुछ करना है hmm. ऐसा नहीं कि मैं अब एक भारतीय नारी निकली हूँ कुछ बदलने के लिए बट hmm. मैं चाहती हूँ कि चाहे आप छोटे शहर से आपको दूसरी नजर से ना देखा जाए यू नो ये मुझे स्मॉल टाउन से बड़ी कोफ्त है अच्छा। <laughs> तो वो निकालना चाहते क्या करते हैं आपके पिताजी मेरे पिताजी आर्मी के साथ बिजनेस करते हैं वो हाँ। आर्मी सप्लायर हैं जो भी आर्मी को चाहिए होता है एक्सेप्ट हाँ। हाँ। उनको जो भी चाहिए वो मेरे डैड सप्लाई करते हैं तो आप स्कूल में गई आपको हमेशा इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम थी क्या मतलब है आपका <laughs> नहीं नहीं मैं अच्छी तरह से बोल आ, रहा हूँ मैं आपसे जो भी बात करूँगा सिर्फ प्यार से बात प्यार ऐसी कोई मुझे आपकी गलती या खामी नहीं निकालनी आई एम श्योर आप अपने क्लास की मॉनिटर रही होंगी जी <laughs> हैं? <laughs> आपकी जैसी लड़की मतलब पढ़ी लिखी <laughs> विद्वान जी। जी। आ, स्पोर्ट्स में भी अच्छी रही होंगी आप <laughs> नहीं एक्चुअली स्पोर्ट्स को छोड़ के मैं सब में अच्छी थी मतलब मैं वो एक अच्छी बेटी थी जो यू नो को करिकुलर में अच्छी है ड्रामेटिक्स uh, में डेक्लेमेशन में डिबेट डिबेट्स ऑफ कोर्स एंड क्लास मॉनिटर फिर हेड गर्ल ऑफ द स्कूल फिर uh, पढ़ाई में नंबर भी अच्छे थे तो इन फैक्ट्स हैज और शिवांग जो मेरे दोनों भाई हैं वो कहते थे तेरी वजह से हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि मैं हमेशा एक हाँ एक अच्छा सा उनके लिए बेंच रखती थी ये सब मेरी मॉम की वजह से मेरी मोम एन आर आई है से यू नो बाहर पली बड़ी आ, और फिर उनकी पापा से शादी हुई अम्बाला में तो उनको हमेशा ये था कि अम्बाला जैसे छोटे से शहर में मैं अपने जो तीनों बच्चे हैं उनको स्मॉल टाउन नहीं बनने दूंगी मतलब उनको अच्छे से अंग्रेजी आनी चाहिए उनको दुनिया देखनी चाहिए कि अगर मैं आज उनको लंदन ले जाऊं तो उनको शौक ना लगे देखिए आज के एपिसोड में तो हम अंबाला अंबाला को बहुत मशहूर कर दिया करेक्ट है की नहीं अब 50 तो एक बार के लिए थाले तारी मार देते <laughs> <थे>। <laughs> फिर अंबाला के बाद आपने ऐसी लीप ली कि ना आप दिल्ली गए ना बॉम्बे आप सीधा लंदन चले गए इंग्लैंड चले गए <laughs> हाँ हाँ वही एक्चुअली वही मेरा प्लान था मैंने जब मम्मा पापा को बोला कि मुझे बाहर जाना है तो पहला कंसर्न तो ये था कि हमारे पास पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए तो लोन वोन लेके सब कुछ करके अच्छे नंबर थे बारहवीं बार में तो अच्छे कोर्स में यू you नो know, वो सब होता है ना स्कॉलरशिप शप सब वो सब करके फिर मैं बाहर गई कहाँ गई थी आप मैं मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल अच्छा मेरे हिसाब से जो भी मैं हूँ अब एट द मोमेंट जैसी भी इंसान वो मैनचेस्टर की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी कुछ आपने कुछ चाय कॉफी वॉफी बेची जी जी फुटबॉल क्लब में जब मैं मैं लोगों को ये ये बताती हूं कि 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 यूनाइटेड यूनाइटेड में में में। काम काम करती थी, वो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं यार मैनचेस्टर आप काम करते थे, लेकिन मुझे मुझे से कुछ लगाव नहीं नहीं है बिल्कुल भी लाइफ तो मुझे तो फर्क ही पड़ता था। था मेरे लिए ये होता था कि दिन के बाद जो you know? हाँ <laughs> कि आप ये बेस्ट वाली चीज है हुँ. तो मैं उसी को देखती हूँ और उसी की तरफ काम करती हूँ उससे कुछ सेकंड बेस्ट मुझे मिले तो मुझे मेरा मूड खराब हो जाता है कि यार वो मिलना चाहिए था तो आपको दस पाउंड मिलते थे प्रति घंटे प्रति घंटे के हिसाब से हाँ। वो तो, तो काफी होता है स्टूडेंट काफी होता है मतलब ऑफ कोर्स लिमिटेड आवर्स होते हैं आप उतने ही आर्स कर सकते हो एक हफ्ते में लेकिन बहुत होता था एक्चुअली मैंने अपने डैड को बोला था कि आप मेरी ट्यूशन फीस दो जो वैसे भी उनको मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक लोन था और वो अपने पैसे थोड़े से लगा रहे थे जो अकोमोडेशन की फ़ीस है वहाँ रहने पीने सबकी मतलब अगर मुझे पिक्चर भी जाना है या इंडिया आना है हॉलीडेज के लिए वो सब मैं दूंगी तो वो मैं खुद करती थी और पापा सिर्फ मेरी फीस भरते थे कितनी अच्छी बच्ची है हाउ वंडरफुल <laughs> इस दौर में आपने काफी वेट पुट ऑन किया था जी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा एक्चुअली मैं उन सालों में वेजिटेरियन बन गई थी तो मैं सिर्फ पिज़्ज़ास पास्तास और सब्स <laughs> और सब तेल वाली चीजें वही खाती थी मैं इसकी डबल थी एक्चुअली मैं मैं ऐसे डबल थी लाइक like, मैं बहुत मोटी थी तो आपको वो आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड के आ, बाकी लोग या मैनचेस्टर <laughs> में जो लड़के बड़के देखते थे तो आपको दिल नहीं करता था कि मेरा कोई कि... मुझे नहीं देखता था मैनचेस्टर में मैं सीरियसली लंदन रिसेशन के दौर से गुजर रहा था हाँ. जब आप वहाँ थी हुँ. और आपने डिसाइड किया कि आप हिंदुस्तान आए जी रिसेशन आया इन द ईयर जब मेरी ग्रेजुएशन थी एंड uh, मैं अच्छी स्टूडेंट थी और मुझे लगा कि अगर मुझे जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो सच में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि मैं हर बैंक हर बैंक के फाइनल इंटरव्यूज पे थी एंड एक दिन uh, मैं एक स्टेशन uh, पे बैठी थी लंदन में बहुत ही फिल्मी था hmm. मैं बैठी थी और मैं ट्रेन का वेट कर रही थी और मैं रोने लग गई और hmm. मैं इतना रोई इतना रोई इतना रोई, इतना रोई. मैंने फाइनली फ़ोन किया और मैंने कहा मैं आज रात को निकलिए मुझे मुझे यही लग रहा था कि मुझे छः महीने हो चुके थे लंदन में और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा वीजा ख़त्म हो रहा था मुझे बहुत जरूरी था कि मुझे जॉब मिल जाए यू नो मतलब सेल्फ पिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा हुई उस टाइम कि यार मेरी गलती नहीं है और मुझे जॉब नहीं मिल रहा है तो इस, इस दौरान आपने हिम्मत हारी या आपने अकेला महसूस किया दोनों उस उस दिन मुझे दोनों हो गया था लाइक उस दिन सर मैं एक्चुअली थक गई थी ये आई थिंक सिर्फ फिल्मों में होता है जब हम कहते हैं मैंने हिम्मत नहीं हारी लेकिन सच में उस टाइम जब होता है ना आप आप बिल्कुल टूट जाते हो आपको लगता है हमारी गलती नहीं है मैं क्या करूं तो मैं बॉम्बे आई और यहाँ पे भी बैंक्स रिक्रूट नहीं कर रहे थे बिल्कुल मुझे यहाँ भी जॉब्स नहीं मिल रही थी फ्री इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही थी और फिर मैं एक दिन यशराज गई और वहां पे यशराज स्टूडियो चोपड़ा जी का स्टूडियो जी और मैं उस टाइम तक मुझे फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था Uh, मेरी बहन एक सुपरस्टार थी बट उतना ही था मुझे फिल्मों से कुछ प्यार नहीं था मैं तो फिल्में देखती भी नहीं थी एंड यहाँ पे उन्होंने मुझे एक इंटर्नशिप पे रखा हम बाय द वे जिस स्टूडियो में हम शूटिंग कर रहे हैं वो यशराज स्टूडियो है और इसलिए स्टूडियो की और शो की वाइब्स बहुत अच्छी हैं बिकॉज ये यश जी अपनी वाइब्स भेज रहे हैं इस शो में तो पहला एक्टर कौन देखा था आपने इस स्टूडियो में वो दिन मैं नहीं भूल सकती क्योंकि वो मेरा मुझे देखकर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है हा? बत बताओ सो so, मेरा फेवरेट एक्टर सैफ अली खान को मैंने बाहर ही देखा था मगर तब भगवान की दया से आप अभी भी माशाल्लाह से ऐसी ही थी अच्छा, उस साइज की थी अच्छा उन्होंने आपको देखा था वो नहीं देख पाते मुझे बिल्कुल आई डोंट थिंक उनके पास कोई रीजन था सामने से कोई आ रहा है तो आपके जैसा उस समय मैंने उनको देखा और मैंने कहा ओ ओ ओ गॉड 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 मैं अंदर घुस गई मेरा ऐसा था एंड oh. वो बाहर ओ यस मैं सैफ अली खान की मतलब दुनिया में सबसे बड़ी फैन हूँ अच्छा. और uh, मुझे याद है उस दिन मैंने लंच खाया था यशराज में और यहाँ पे एक टिश्यू पेपर मिलता है जिसपे यशराज का लोगो है और आज तक मेरे पास वो टिश्यू है मैंने अपने वॉलेट में रखा हुआ है और कोई अंदाजा नहीं था कि आप एक्टर्स बनना हैं कुछ नहीं कुछ नहीं मैं एक्सपीरियंस ले रही थी कि मैं वापस जाके पढ़ पाऊँ और उनको एक्सपीरियंस दिखा पाऊँ की मैंने कंपनी में काम किया हुआ है बट आई थिंक कुछ और ही प्लान थे मेरे लिए भगवान के uh, डेढ़ साल मैंने यहाँ काम किया डेढ़ क्या काम था होता था यहाँ पर मैं मार्केटिंग में काम करती थी तो हर एक फिल्म जो यशराज की रिलीज होती थी उसकी जो प्रमोशन होती है एक डेढ़ महीने की उससे पहले तो उसमें हम लोग काम करते थे हम लोग करते थे और कभी दिमाग में नहीं आया था आई टू एक्ट फाइनली बैंड बाजा बारात जब आई थी जो मेरी लास्ट फिल्म थी जिसपे मैंने काम किया था तब तक मुझे हो गया था कि अच्छा अब मैं एक्टिंग ट्राई करती हूँ क्यों कैसे हुआ था आई डोंट नो एक फैसिनेशन हो गई थी एक्टर्स से कि इनकी लाइफ इनकी लाइफ काफी कूल होती है एंड बैंड बाजा तक मुझे लग गया था नहीं मैं एक बार ट्राई करती हूँ देखती हूँ क्या होता है एनी वे मुझे है नहीं फर्दर पढ़ने के तो मैं ट्राई करती और बट उससे पहले आपका फिल्मों के के प्रति प्रति एक्टर्स क्या थोड़ा बेटर हो गया था पहले मैं बिल्कुल ये कहती थी कि एक्टर्स तो मतलब बकवास काम होता है उनका सिर्फ तैयार होके दो डायलॉग बोलने होते हैं और इतने पैसे मिलते हैं उनको ये मेरा होता था Hmm. लेकिन ये सच नहीं है hmm. ऐसा नहीं होता छोटी एयरपोर्ट पे मैंने एक एक्टर को देखा था और मैंने कहा था अच्छा मैं इनसे ऑटोग्राफ लेके आती हूँ और उन्होंने बहुत ही गंदी तरह बात की थी और मैं छोटी सी थी मतलब मैं छह या सात साल की होंगी और मैंने बोला था कैन आई है

एट ऑगस्ट 9th ऑगस्ट ऐसा कुछ मैं सितंबर में इंडिया आ गई थी 8th ऑगस्ट <laughs> 8th ऑगस्ट को रोई आप अगर आप उस दिन ना रोती तो, मैं... आप यहाँ बैठे शायद ये इंटरव्यू नहीं देती बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो सकता <laughs> है दोस्तों परिंदी यहाँ अकेली नहीं आई हैं। एक और शख्स है जो हमसे मिलने आए हैं जनरेशन वाई की कूलनेस और व्हाट्सअप एटीट्यूड के रिप्रेजेंटेटिव प्लीज वेलकम आदित्य रॉय कपूर क्या इंट्रोडक्शन था सर अच्छा था? जनरल मशीन वाइज़ WhatsApp के रेप्रेजेंटेटिव WhatsApp अच्छा WhatsApp तो बोलो WhatsApp <laughs> ये मैं परिणीति से बात कर रहा था हाँ हाँ। आपके आने से पहले परिणीति क्लास में फर्स्ट आती थी अच्छा अच्छा हाँ मॉनिटर थी हेड गर्ल थी मुझे एक ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप इसके बिल्कुल उल्टा है डायलॉग्स हमेशा याद रहते हैं डायलॉग पूरे स्क्रिप्ट के याद रहते हैं को तो हमारे डायलॉग भी याद होते तो तो हैं मुझे तो अपने डायलॉग भी याद नहीं होते करेक्ट पर आप अपने बारे में खुद ही बताइए तो देखिए सर आई वाज स्पोर्ट्समैन ओके मैं तो वो भी नहीं कह सकता मेरा मैं जब मेरे बारे में मशहूर था कि मैं एक बार स्कूल में दौड़ रहा था तो मेरा पीटी टीचर बोला तुम अकेले दौड़ोगे तब भी सेकंड आओगे तो सवाल मैं आऊंगा स्पोर्ट्स में आऊंगा हाँ। पहले पढ़ाई की बात हो रही है लैक <coughs> ऑफ <Lack of> पढ़ाई <laughs> पढ़ाई ही नहीं करता था सर आई हैड अ बिग प्रॉब्लम मैं um, थोड़ा पागल टाइप था आई टू इन द मॉर्निंग कार्टून देखने के लिए आई टू <laughs> फिर बजता <laughs>

मतलब बस पास हो जाए वो ही खुश थे और आप सुना बहुत बहुत ही खतरनाक किस्म के शरारती बच्चे भी थे हाँ सर क्या आपने वर्स्ट थिंग क्या किए वो तो मैं टीवी पे नहीं कह सकता <laughs> अच्छा <laughs> <सेकिंड वर्स टर। laughs> वो भी नहीं सर <laughs> चलो जो टीवी पे कह सकते हैं वो बता दीजिए <laughs> <laughs> आपने एक बार सुना अपनी बीमारी का भी कुछ एक्टिंग की थी पोलियो पोलियो का एक्टिंग किया था इन्होंने पोलियो का का एक्टिंग एक्टिंग किया किया था। था <laughs> इन्होंने कि मेरी टांगे नहीं चल रही है एक महीने तक एक्टिंग की तो मतलब दो दिन एक्टिंग <laughs> करने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत अभी सीरियस मामला बन गया है आपने घर में कब बताया की मैंने एक्टिंग की थी इसकी? कभी नहीं बताया अभी दस साल बाद बताया मैंने <laughs> दस साल बाद बताया हाँ, father, अब तो उनको पता चल जाएगा Now, खुलासा हो चुका है अब hmm. पता चल जाएगा पता चल जाएगा <laughs> आपको आपका ये इस दौरान नाइन्थ स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंड उस जिंदगी में मकसद क्या था कुछ नहीं एंजॉय जो हो रहा हो 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 no है होने दो नो प्लानिंग क्या बात है भगवान ने वाकई आप पर कृपा की है <laughs> 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 फिर फिर मैं जेवियर्स गया जेवियर्स फर्स्ट ईयर अगेन आई डिड नॉट डू वेल तो जेवियर्स से निकाला गया था मुझे अच्छा हाँ इनकी तो फेरिस बड़ी लंबी है मुझे क्या क्या मेरे साथ हुआ है मतलब ये दोनों कंट्रास्ट में मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिनकी लिस्ट जो है वो इधर से इधर जा रही है आपकी इधर से इधर आ रही है सर आगे बढ़ते <laughs> आगे बढ़ते आगे बढ़ते आपने

आप जहाँ जानते थे लोग आपको पहचानते थे कभी कभी लड़कियां भी आपको बहुत पहचानती थी no complaints. No complaints. <laughs> <laughs> तो फिर क्या हुआ क्या हुआ फिर आपके भाई भाई आप तो फिल्मों में मैंने सुना कि जंजीर फिल्म में आपके ग्रैंडफादर इन्वॉल्व थे जंजीर में नहीं ग्रैंडफादर किसी ने फिल्म प्रोड्यूस की थी

आपको इस दौरान फिल्मों का कोई कोई शौक था। कोई शौक नहीं था, था। नहीं कभी भी। तो हमारे पास दो ऐसे गेस्ट बैठे हैं, जिनको फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था दौरान में क्या करना चाहते थे हाँ उस टाइम में मैं थोड़ा कंफ्यूज था सर। I... मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार था वाज नॉट बैड अगर मैंने कंटिन्यू किया

तो वन कास्टिंग डायरेक्टर अमिताभ सहगल हेल्पिंग अ लॉट उसने फोन करके बताया कि एक रोल है लंडन ड्रीम्स में गिटारिस का रोल है, क्या बात है रोल hmm. और uh, शूटिंग लंडन में हो रही है एंड कम फॉर ऑडिशन तो मैं ऑडिशन का जब मतलब कॉल आता था लाइक वॉट ऑडिशन वैसे भी आई नेड देट की कभी कभी गिल्ट भी फील हो जाता है ना कि आई शुड लाइक समन इज कॉलिंग यू शुड गो समाइम और वो पार्ट मिल गई सर विपुल सर आसानी से मिल 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 गया yeah, गया मिल गया वो अच्छा गया। अच्छा, गया। अच्छा गया। और आपको पहली फिल्म मिल पहली गई गई <laughs> मेरे <दोनों फेवरेट। laughs> तो आप दोनों में से कौन है ज्यादा कि वो एक्टर बन गया। <laughs> हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने पहले हाँ है ना अच्छा ये डिफरेंट वे में डिफरेंट वे में मैं क्योंकि मुझे हमेशा लगा था कि मैं आ, बैंकर बनूंगी फिल्म और बैंकिंग का ऐसा नहीं है कि कुछ लीकेज है एक दूसरे में तो शायद एक से एक हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं है, you know? यू like, सोचा था कि मैं खुद एक्ट्रेस बन जाऊंगी आपने आ, कौन सी फिल्म का ऑडिशन दिया था किस करीना कपूर की फिल्म। हा, 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 जब भी मैट का ज्यादा बेस्ट न्यूकमर के अवार्ड मिले थे फॉर हाँ, विक्की बहल रिक्की बहल हां तो वो अच्छा हो गया था लाइफ चेंज हो गई ओवरनाइट एक्चुअली जब मैंने वो ऑडिशन किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरा ऑडिशन था मुझे हाँ, लगा था कि मनीष शर्मा जो आ, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है Uh, मुझे लगा कि दोस्ती में मनीष ने मुझे बोला था कि आप शानू के पास जाओ जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं यशराज mm. की uh, शानू ने मुझे कहा कि ये एक सीन है इसको याद करो और ऐसे कर दो mm. और मैं तुम्हें कैमरा पर शूट करूंगी mm. मुझे नहीं पता था कि मैं यशराज फिल्म्स के लिए आदि के लिए कोई ऑडिशन कर रही थी mm. और वो मैंने कर दिया mm. दो महीने के बाद जब मैंने रिजाइन किया यशराज से क्योंकि मुझे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना था मुझे वेट लूज करना था उस टाइम जब मैंने रिजाइन कर लिया तो मनीष ने और आदि ने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि वो एक्चुअली तुम्हारा ऑडिशन था एंड आपको रिकी बेल दे रहे हैं <laughs> तो क्या नाम है इस शो का कुछ भी हो सकता है सर <laughs> मैं तो बोल रही हूं। कुछ भी हो सकता है और आपने ऐश्वर्य राय के साथ दो फिल्में था अच्छा अभी भी आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं मिला था आपको नहीं क्योंकि मैं लंडन ड्रीम्स में इस एटीट्यूड से घुस गया था कि आई वांटेड टू जस्ट गो एंड सी कि हाउ इज इट व्हाट इज एक्टिंग हां और वो फिल्म खत्म होने के बाद मुझे लगा कि आई लाइक इट

दौर में गुजरे कि आप सेकंड लीड कर रहे थे वगैरह हाँ। और आपको मिली फिर आशिकी कैसे बट उससे पहले आफ्टर यू डिड रिकी बहल फिर उसके बाद आपने तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फिल्म के साथ और आपने इशक फिल्म में काम किया जी जी जी, जी। जिसने आई थिंक मेरी लाइफ काफी चेंज कर दी एक्चुअली um, मेरा स्ट्रगल जो था वो रिकी बेल के बाद शुरू हुआ hmm. क्योंकि um, आदि ने मुझे कहा कि मुझे पता है तुम एक्टिंग थोड़ी कर लोगी hmm. लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम हीरोइन बन सकती हो कि नहीं hmm. तो वो तुम्हें मुझे प्रूव करना पड़ेगा hmm. तो एक्चुअली ढाई तीन महीने के ऑडिशन के बाद टेस्ट के बाद लुक टेस्ट के बाद hmm. फोटोशूट्स के बाद एक्टिंग hmm. वैक्सीन so, हाँ बहुत एंड अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना आ, उस टाइम पे क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा मोटी थी और ये हमारे डायरेक्टर हबीब फ़ैज़ल साहब कर रहे हबीब सर कर रहे <laughs> तो हाँ। वो उस लेवल की आप समझ रहे होंगे ट्रेनिंग थी हाँ। लेकिन मुझे समाओ पता नहीं क्यों अंदर से मुझे गट फीलिंग होती थी कि अगर ज़ादे अगर सही गई तो मेरी लाइफ थोड़ी बन सकती है एंड टच वो ही हुआ। मतलब वो फिल्म वर्क कर गई आपको आसानी से मिल गई थी एक्चुअली uh, आसानी से मिल गई थी पर क्या हुआ कि गुजारिश रिलीज होने के बाद महीने में रिलीज हो गई हाँ. uh, हाँ. uh, रोल्स और वो हुआ बट नॉट दिंग्स की आई वॉन्ट तो एक डेढ़ साल के लिए आई वॉज डूंग रहे, थे, रहे थे पर ऐसा कुछ, कुछ नहीं था कि जो आपको पसंद आए नहीं और फिर uh, सिद्धार्थ और कुणाल जो मेरे दोनों बड़े भाई हैं दे टेल मी कि यार आदित्य कुछ कर लो अभी यू नो इशक जादे वाज अ वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म आपकी बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म थी बिकॉज मैंने जो दो तीन सीन से आपके शूटिंग के दौरान आपसे जिक्र भी किया है कि वो सीन करना Uh, बहुत मुश्किल होता है टू शो अ फेलियर और वो ऑब्सेस्ड है और येट वेबल है hmm. ये बहुत फाइन uh, चीजें हाँ फाइन uh, चीजें हैं और आपको मजा आया बहुत वो फिल्म करके बहुत मजा आया आई आई दैट फिल्म वाज अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी आर यू मोर फोकस नाउ एज अ पर्सन एज अ डायरेक्ट एज एन एक्टर आई हैव मोर डायरेक्शन नाउ सर अच्छा आई थिंक आई फाउंड व्हाट आई लव हां और नाउ मैं वो पर्स्यू कर रहा हूं अब दोनों में से अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो न्यू कमर्स में जब वो अपनी किस्मत इस फिल्म इंडस्ट्री में आजमाना चाहते हैं जो उन्हें सक्सेस uh, के करीब ला सकती है पॉसिबल ऑफ कोर्स टैलेंट इज डिफरेंट एज अ पर्सन क्या क्वालिटी होनी चाहिए आई थिंक कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ओन टैलेंट एंड स्टिकिंग बाई वॉट यू बिलीव इन और आप आई थिंक think... पर्जीवियरेंस क्योंकि आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलती हैं जो लोग एक्चुअली आने वाले हैं उनमें ये हिम्मत होनी चाहिए कि वो रोज़ के जो फेलियर्स हैं उनको एक्सेप्ट कर पाए आ, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि फिल्म दावत इश्क के दौरान जिसमें कि हम तीनों ने काम किया है मुझे ज़िंदगी भर के लिए दो दोस्त मिले ऐसे जो फिल्मों में मैं हूँ या नहीं हूँ मगर इनके साथ मेरा रिश्ता पूरी जिंदगी रहने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों भी ऐसा हैं हमारी फिल्म के दौरान आप <laughs> आप मेरी अंग्रेजी का बहुत मजाक उड़ाते थे और ऐसा पता नहीं क्यों होता भी। भी। था भी दिया मैं नहीं हाँ। दोनों टीम बनके बनाते थे ऐसा नहीं था। और पता नहीं ऐसा क्यों होता था कि जब मैं मतौर पर ठीक अंग्रेजी बोलता था पर आप जब आती थी सामने तो मेरी अंग्रेजी फिसल जाती थी सर ब्लेम मत करो मुझे ये ये मैं मैं प्लीज की था। 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 तो जानना चाहता हूँ जब आप पहली बार मुझसे इसी स्टूडियो के मेकअप रूम में मिली आपका मेरे बारे में क्या इंप्रेशन था फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ये इनकी हंसी शुरू होगी बिकॉज इनके फ्लैश जा रहे हैं मैं क्या क्या गलतियां करता था है ना सब मैं एक तो पहली बार बताऊँ पहले तीन चार दिन जब हम सब ने रीडिंग्स करी थी तो मैं काफ़ी इंटिमिडेटेड थी क्योंकि yeah. आप ऑफकोर्स बहुत अच्छे एक्टर हैं और आपको बहुत जल्दी जल्दी सब समझ आ रहा था और yeah. हमें दखनी भी बात करनी है पिक्चर में तो वो सब मतलब आ, आपको और मुझे स्पेशली हमारी लिंगों पे बात करनी थी फिर आ, कुछ दिनों बाद मुझे आपकी नॉर्मल साइड भी दिखने लगी अपार्ट फ्रॉम द स्टार इमेज कि ये नॉर्मल इंसान भी है और गलतियां करते हैं कि मैं मैं आपसे आपसे कभी सोशली भी नहीं नहीं मिली थी और भी नहीं मिला था, भी नहीं मिला था। भी ना सर एक हाँ पार्टी पे मिले थे जब हाँ हाँ हाँ? हाँ? अनुपम सर ने नंबर मांगा था आदित्य को आदित्य ने नहीं दिया अरे कुछ भी बोल रिम्बर ये भी दिया था नहीं दिया था और इनको मैंने फोन किया था मैं एक फिल्म की कास्टिंग कर रहा मैं कोई फिल्म बनाना चाहता था करेक्ट करेक्ट और मैंने इनको फोन किया था इन्होंने मुझे फोन नहीं किया अब मैं इनको समझ गया हूँ ये चार चार पांच पांच दिन बाद फोन करते हैं और इनका आ, आपका रोल दावत इश्क में हाँ हा। खानसामा का रोल कर रहे हैं मतलब जो खाना बनाता है अच्छा खानसामा पे इनका रिएक्शन हुआ था कि ये क्या होता है ये क्या होता है ब्लैंक इट्स अ लव स्टोरी अबाउट पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ फूड

फिर अबीर सर ने कहा अच्छा तो अब आपका क्लोजअप आप। <laughs> तो मैं अभी तक दिखी नहीं रहा था तो ये से, अब <laughs> तो दोनों ने चांस में आपने भगवान की कृपा रही आप आपने कहा कि आपको एक एक्टर एक ने बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं किया था hmm. आप अपने फैंस के साथ हमेशा प्यार से बात करती हैं आई होप सो मेरा थॉट ये कि आ, मुझे नहीं पता कि वो आदमी मुझे कभी ज़िंदगी में मिलने वाला है या नहीं और उसका इंप्रेशन वो नहीं होना चाहिए था जैसे मेरा था उस एक्टर का लेकिन कभी कभी हो जाता है मतलब आप सच में बुरे मूड में होते हो या बिजी होते हो या आपकी तबीयत ख़राब होती है और या आप सो रहे हो और कोई आपको एकदम से आके बोले कि प्लीज़ एक फोटो दे दो या कुछ दे दो और उस टाइम अगर आप बुरी तरह बात कर रहे हो तो मैं बस बताना चाहती हूँ सबको कि उनको ये ना लगे कि हमने उनसे बुरी तरह बात की है

और आप आप, तो मैं भी अपने आप में कभी खो जाती मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अकेले ट्रैवल करना अकेले रहना सो so ऐसा तो know. नहीं है कि जैसे जैसे आप बड़े बड़े स्टार बनते जा रहे हो जैसे जैसे आपको सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आप

लॉरी मतलब सर अब आप देखो क्या होने वाला अच्छा तो बताइए सर पढ़ाई के बारे में क्या <laughs> तो मेरी तारीफ कर दीजिए मेरे तो कभी 38% मार्क्स ज्यादा ऊपर आए नहीं मगर मैं आपको अपना अंग्रेजी का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल में गया था मैंने ए बी सी डी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू किया था हमारे स्कूल की जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें जो चीफ गेस्ट हमेशा होती थी प्रिंसेस दुर्गावती ऑफ लखनपुर तो हमारे प्रिंसिपल साहब को पता था कि अनुपम को अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है हुँ. तो और मेरे चाचा जी को भी पता था तो उन्होंने मुझे कहा था कि तू इंग्लिश के एडिटोरियल्स पढ़ा कर अखबारों में और मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि तू दिस टाइम व्हेन द प्रिंसेस दुर्गावती कम्स उनके ऑनर में स्पीच देना इंग्लिश में तो होने ये लगा 15 दिन बाद स्पीच थी और पंद्रह दिन बाद ऑडिशन था तो मैं एडिटोरियल भी याद कर रहा था और स्पीच भी याद कर रहा था और मेरी स्पीच मिक्स हो रही थी <laughs> तो मैंने जो फाइनल स्पीच दी थी वो कुछ ऐसे थी थोड़ी एग्जेजरेटेड लेडीज ऑफ द जेंटलमैन आई टू अंडरस्टूड प्रिंसेस दुर्गावती ऑफ लखनपुर इन्फेक्शन ऑफ कॉन्स्टिपेशन इन लार्ज इंटस्टाइन ऑफ मैं which is being spread in pregnancy by her flirting excellency. That's why I'm shivering in high frequency. Her divine grace is a mental case, so I will pay my last <laughs> homage to her highness with great amount of shyness that you came to our school that is God's nature. Sometimes I look at you, sometimes furniture. और फिर तीन दिन बाद प्रिंसिपल साहब को हार्ट अटैक हुआ था और मुझे मुझे लगता था कि कहीं इसमें मेरा हाथ था हाँ yes, मगर जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे किसी ने कहा कि अंग्रेजी बोलने से ही आती है हुँ. तो मैंने बोलना शुरू की बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता आज मेरा शो है आप दोनों को म्यूजिक का बहुत शौक है सो <laughs> है हाँ. so, ये शो अधूरा रहेगा अगर आप इसमें गाएंगी नहीं भाई तो मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को इनके पापा और प्रियंका के फादर दोनों का एक बैंड था और वो बैंड में गाते थे आपके पापा शायद मोहम्मद रफी के गाने गाते थे मुकेश नहीं मुकेश के, के और के और वो गाने, रफी गाते के थे गाने। और प्रियंका के फादर रफी, रफी, रफी साहब के गाने गाते थे दे कॉल्ड चोपड़ा ब्रदर्स चोपड़ा ब्रदर्स हाउ वंडरफुल चलिए चल दिन ढल जाए हाय रात ना वाह तू तो ना जाए तेरी

तू तो न आए तेरी ते। म्यूजिक <laughs> पीस भी, भी था <laughs> आदित्य गिटार की बहुत बात कर रहे थे कह रहे थे कि मैं गिटार बड़ा अच्छा बजाता हूँ इन्हो ये बहुत अच्छा गाना लिखते भी है मैंने आपका जो गाना सुना था

Lover, I forgot. The time you have taken, and I have got to be so very slow, slow. Yeah. Oh! Well <laughs> oh. <laughs> done. <laughs> yeah, that was magical. Wow, So I wrote this song a while ago, but. ये आपने लिखा है? हाँ. और आप ही ने कम्पोज किया है हाँ सर तो हमें पता ही नहीं चलेगी क्या गलतियाँ थी गलतियाँ दोस्तों लाइफ में कुछ भी हो सकता है यहाँ बैठी स्टूडियो ऑडियंस के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है मैं दरअसल आप में से किसी एक का नाम चुनूंगा जिसे यहाँ आने का मौका मिलेगा और वो परिणीति और आदित्य से बात कर पाएंगे तो देखते हैं कौन है वो लकी शख्स परिणीति आप इसमें से किसी एक का नाम निकालिए

या या हिज वेरी लॉन्ग अनु मैं माइक ले लीजिए अनु यस सर क्या करती हैं आप सर अभी मेरी शादी हुई है अरे ओए कांग्रेट्स कांग्रेचुलेशंस थैंक यू थोड़ा सा लाइफ में अभी चेंजेस आए हैं आफ्टर वेडिंग एंड आपका कोई सवाल है आप इस दौरान जब प्य इंटरव्यू में यहाँ बैठी थी जो आदित्य से या परिणीति से आप एक एक सवाल पूछते <laughs> 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 मुझसे भी पूछ सकती है yes. uh, Pariniti, मुझे सिर्फ आपसे इतना पूछना है आप अम्बाला में थी आप कहीं ना कहीं एक मिलिट्री रूल्स रेगुलेशन और आपने देखा है कि हमारे स्मॉल टाउन में थोड़े थोड़े रूल्स रेगुलेशन कहीं ना कहीं वो हम लोगों के साथ भी है बट hmm. स्टिल हम बॉम्बे में आए और यहाँ का कल्चर अडेप्ट किया काफ़ी सारी चेंजेस हुई hmm. अब मुझे थोड़ा सा बताएंगी कि आपने आई I मीन mean, कैसे आपने बॉम्बे में आके एडजस्ट किया आपने कितना स्ट्रगल किया आई थिंक अपने आप में कॉन्फिडेंस होना ये बहुत टीवी पे सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो लेकिन रियली जब आपका वो जब ट्राइंग टाइम आता है ना जब मुश्किल टाइम आता है अगर आप अपने आप को बोलो नहीं शायद आज नहीं हुआ कल डेफिनेटली होगा अगर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ अगले दिन नहीं जागेंगे ना आप <laughs> आप आगे ही नहीं सकते कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम लोग स्मॉल टाउन से हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे काम सिर्फ टैलेंट की वजह से मिलता है नॉट कि आप कहाँ से आए हैं आपके पास एक एग्जाम्पल है मैं वो एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ um, मुझसे कोई नहीं पूछता है कि तुम अम्बाला से हो या नहीं मैं अगर काम दूँ तो लोग मुझे अप्रीशिएट करते हैं और अगर नहीं करूँ तो वो नहीं करते तो आप स्मॉल टाउन की तरह मत सोचो वो सबसे बुरी बात है हम में हम हमेशा लगते हैं कि हम बॉम्बे exactly. वालों से कम हैं या हम दिल्ली वाले से कम हैं बिल्कुल नहीं प्लीज़ हैव कॉन्फिडेंस इन योर थैंक यू सो मच देखते हैं जब मेरा कोचिंग पीरियड था फ्रेंकली स्पीकिंग आशिकी टू आई थी <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> uh. और मैं सारा टाइम आशिकी के गाने सुनती थी माई बॉस आई मीन हीज ऑल्सो वर्किंग इन वैशा जोड़ी एंड ही फ्रस्टेटेड ही सेट वट रॉन्ग विद यू गाने सुनते या yeah. uh. लेकिन अब जब मेरी शादी हो गई कभी हमारी हमारी, हमारी कोल्ड वॉर चलती है तब तो मैं सुनती हूँ सुन रहा है ना तू रो रही हूँ <laughs> <laughs> मैं आपको सिर्फ इतना बता रही थी कि कि आशिकी के गाने वो वो मेरी लाइफ से ऐसे जुड़ गए हैं अभी तक जा नहीं रहे हैं। सर आपसे भी कुछ पूछ प्लीज <सकते हुँ? laughs> <laughs> मुझे थोड़ा सा किरण खेर मैम के बारे में बात करनी है वो शादी से पहले भी ऐसी कॉमेडियन थी कॉमेडी करती थी आपके साथ आपकी शादी को कितने साल हुए Sir, months, में आपने बोला तीन बार मैं उदास हो चुकी हूं। या, रो जाएंगे तो आप सब परेशानियों से जूझना सीख जाएंगे तो अनु की लाइफ में ये हुआ कि आज उन्हें परिणीति से और आदित्य से बात करने को मिली और आपकी तरफ से हमने एक गिफ्ट चुना है आपकी पसंदीदा चीजों का जो हम अनु को देना चाहते हैं शी विल बी द प्राउड्रेचुलेशन और uh, दूसरा wow. परिणीति की तरफ से लाइए लिए। <laughs> थैंक यू थैंक यू दोस्तों परिणीति और आदित्य ने आज हमारे साथ अच्छाई खुशी मेहनत और सफलता की बातें करी और इनकी बातों से साफ झलकता है कि आज की पीढ़ी समझदार है मुझे यकीन है कि युवा पीढ़ी को इनकी बातों से प्रेरणा मिली होगी इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती से तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि आपका शहर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो आपकी दुनिया हमेशा बड़ी होनी चाहिए क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है परिणीति क्लास में फर्स्ट आती थी अच्छा अच्छा मॉनिटर थी आप अपने बारे में खुद ही बताइए देखिए सर आई वॉज स्पोर्ट्समैन मैं तो वो भी नहीं कह सकता मैं एक बार स्कूल में दौड़ रहा था तो मेरा पीटी टीचर बोला तुम अकेले दौड़ोगे तब भी सेकंड आओगे फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू कलर्स टीवी डॉट इन डॉट कॉम लाइक ऑन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉलोअर्स ऑन ट्विटर डॉट For more updates, log on to Colors Like us on Facebook.com slash Colors TV. Follow us on Twitter.com slash Colors TV. For more updates, log on to Colors Like us on Facebook.com slash Colors TV. Follow us on Twitter.com slash Colors TV.